बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज फातिमा शबीर, आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो है वो हार्मोन्स पे जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मोन कैसे चेंजिंग हो में क्या चेंजिंग आती है, इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, उसका क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले जिसमें मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि का स्मूथ मसल्स की जो टोन वगैरह होती है वो उसमें रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको जैसे बेसिकली होता क्या है कि ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो फिटस की ग्रो ग्रो हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ज्यादा देर तक जो है वो स्टमक में स्टे करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जो होती है ना, वो भी कम हो जाती है। तो इसमें एक बहुत कॉमन चीज आ जाती है कि इस कंडीशन में जो है बहुत सारी फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो गर्ड का इश्यू भी हो जाता है, जब ये स्मूथ मसल्स की टोन जो है वो कम हो जाती है। तो लाइक इसमें का बेसिकली होता क्या है कि एसिड जो है वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो इसकी एक मेन कॉज जो है वो ये आ जाती है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कि फीटस के प्रेशर की वजह से बेसिकली होता क्या है कि जो कोलोन के अंदर जो है वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो काफी सारी फीमेल्स को जो है इस ड्यूरेशन में कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है वो फेस करना पड़ता है इश्यू। इसी तरह अगर देखा जाए तो यूट्राइन मसल्स की टोन जो है वो भी कम हो जाती है, यूट्राइन एक्टिविटी जो है डाउन हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो डेट यूसोर मसल्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यूट्रस जो है वो डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से यूराइन स्टेसिस जो है वो इसकी इलॉन्गेशन हो जाती है, जो कि इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि जो यूट्रस का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो होता क्या है कि बहुत सारी फीमेल्स को जो है इस ड्यूरेशन में जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो है वो हो जाता है। और ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो ये इतना कॉमन है, इतना कम, इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर इस इन्फेक्शन को टाइम पे क्योर ना किया जाए तो इससे जो है वो फिटस पे भी इम्पेक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो है इस हार्मोन से क्या होता है कि यूथ्रल टोन जो है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट में क्या आता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो नेक्स्ट में क्या आता है कि बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह देखा जाए स्मूथ मसल्स में बहुत रिड्यूस्ड हो जाती हैं, और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और जो एल्विओलाई और आर्टरियल जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइपर वेंटिलेशन जो है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो मदर का जो है बहुत सारा जो वेट गेन होता है, इसमें डिफरेंट जो है वो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका वेट लाइक इंक्रीज हो रहा है। टोटल देखा जाए तो मदर का जो है वो 13 पाउंड जो है वो वेट इंक्रीज हो रहा है। इसमें देखा जाए तो इसमें डिफरेंट आ जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट आ जाता है, ब्रेस्ट का वेट आ जाता है, यूट्रस का वेट आ जाता है। इसके अलावा जो सारा जिस जो टोटल वेट गेन होता है ये 30 पाउंड जो है वेट इंक्रीज होता है। अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अगर एक नॉर्मल फीमेल है हेल्थी है तो उसको कितना जो है वेट गेन करना चाहिए, तो इसमें जो है वो आ जाता है कि कम से कम उसको अगर नॉर्मल है तो उसको 11 से 12 kg जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई फीमेल जो है वो बेस्टी का शिकार है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको जो है वो 7 पाउंड 7 kg से ज्यादा वेट जो है पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई फीमेल है वो अंडर वेट है, उसका BMI जो है वो 18.5 से कम है, तो उसको पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो कम से कम जो है वो 40 to 50 kg तक वेट लाजमी जो है वो अपना इंक्रीज होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में और बहुत सारे हार्मोन्स का अगर हम इफेक्ट को देखा जाए तो उसमें एस्ट्रोजन आ जाता है। एस्ट्रोजन बेसिकली ये ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है कि यूट्रस की ग्रोथ को बढ़ाता है और ब्रेस्ट को जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट कर रहा होता है फॉर लैक्टेशन के लिए, ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन के लिए ब्रेस्ट डक्ट को। इसके अलावा देखा जाए तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रोजन्स हैं जो असिस्ट करते हैं मदर के जो भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ मेन रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक अगर हम देखा जाए तो इसमें प्राइम रिसेप्टर साइट आ जाते हैं रिलैक्सिन, लाइक इसमें देखा जाए तो इसमें पेल्विक जॉइंट्स हैं, जॉइंट कैप्सूल आ जाते हैं, सर्विक्स आ जाती है। इसके साथ साथ जो है वो देखा जाए तो इसमें वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है इस हार्मोन की वजह से, जो कि क्या काज करता है सोडियम को रिटेन करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस हार्मोन ने क्या करना होता है कि वेजाइनल ग्लाइकोजन को बढ़ाता है, डिस्पोजिंग करना होता है थ्रस्ट। इसके अलावा देखा जाए तो ड्यूरिंग जो है अगर कोई फीमेल जो है वो अगर अंडर वेट है तो उसको अपना जो है वो प्रेगनेंसी में जो है उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मदर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो बेबी की फिटनेस की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो इस सिचुएशन में जो है वो
उसको अपनी प्रॉपर डाइट पे जो है वो फोकस करना पड़ेगा। अगर मदर जो है उसको नहीं करेगी प्रॉपर, तो इससे बच्चा जो है वो मालनरिश हो सकता है, हमें प्री मेच्योर भी हो सकता है। प्री मेच्योर मतलब कि बेबी की जो ग्रोथ है वो लेस देन 37 वीक हो सकती है। तो इससे जो है वो बेबी को काफी सारे जो है वो चीजों को नेक्स्ट फ्यूचर में वो जो है वो कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ सकते हैं। उनके वो जो चाइल्ड है वो उसकी एडल्ट ग्रोथ वगैरह भी हो सकती है, देखा जाए तो डिफरेंट उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसी अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल होती है कैसे 40 तक हो जाती है, थर्ड ट्रेमेस्टर में जो है उसकी जो है वो 450 तक इंक्रीज हो जाती है। ट्रेमेस्टर प्रिवेंटेड ठीक है होती कंप्रेसिव। अगर इसकी नॉर्मल अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो यही बच्चा जो है जब ये आफ्टर डिलीवरी के बाद का होगा, जब बच्चा स्कूल गए एंगेज में होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर नहीं होगी, उसका वो जो है इतना एक्टिव नहीं होगा। तो ये इस विटामिन के एक सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से बेबी को जो है वो कितने सारे कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ते हैं। तो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रेमेंसी में जो है एक ये हो सकता है जो है इंसुलेटेड एंड होता है स्टोर हुआ है बॉडी का, वो बेबी में जो है वो बेबी लेता है अपना सारी ब्लड रिक्वायरमेंट, जितनी भी डाइट है वो मदर से ही लेगा। तो अगर मदर में डेफिशिएंसी होगी, आयरन स्टोर कम होगा, तो बेबी में जो है वो कैसे ट्रांसफर होगा। यहाँ जो कॉल करिए उसको कहना है फार्मर बाय बिना के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो चाहिए होता है बोन्स वगैरह की प्रॉपर डेवलपमेंट वगैरह के लिए। अच्छा नेक्स्ट कौन से और हार्मोन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफेक्ट करते हैं, इसमें आ जाता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ग्रेजुअली रिप्लेसमेंट होती है कोलेजन की टारगेट टिश्यू में, लाइक अगर हम बात करते हैं पेल्विक ज्वाइंट है, ज्वाइंट कैप्सूल है, सर्विक्स वगैरह में, ठीक है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो कोलेजन की सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू कोलेजन की डिग्रेडेशन होने के बजाय। और इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि वाटर कॉन्टेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो मदर का इंक्रीज हो जाता है। तो इट्स मीन कि ये जो वेट बढ़ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनहिबिशन होना स्टार्ट हो जाती है मायोमेट्रियल एक्टिविटी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 28 वीक्स। अच्छा अगर हम सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले क्या बनता है, जायगोट आ जाएगा, जो कि फर्टिलाइजेशन के 2 वीक्स के बाद जो बेबी होता है उसको जायगोट कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो कि 2 to 8 वीक्स होता है उसको हम कहेंगे। और जो फीटस होता है वो जो 8 वीक्स के बाद वो कोई हो रहा है ना तो, और फीटस जो है हम उसको कहते हैं कि जब 8 वीक्स के बाद जो है वो बेबी की 7 मंथ तक प्रॉपरली ग्रोथ हो रही होती है, तो इसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है। तो के अलावा अगर हम देखा जाए तो टोटल प्रेगनेंसी में जो है उसको पीरियड को गेस्टेशन कहा जाता है। इसमें तीन जो है वो ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 मंथ के पीरियड को एक ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो इट्स मीन के तीन जो है प्रेगनेंसी में टोटल ट्राइमेस्टर होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस हार्मोन की वजह से बेसिकली होता क्या है कि इससे बेसिकली होता क्या है कि इसने यूट्रस के अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो रिस्ट्रेंड हो जाती है, जिसकी वजह से और नेसेसरी जो है उसको क्या कहता है कि उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा देखा जाए तो बिल्कुल प्रेगनेंसी के लास्ट पे जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली करना क्या होता है कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट करना होता है जो भी कोलेजनस कंटेंट होता है सर्विक्स का, उसको इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेमोरी ग्रोथ वगैरह में देखा जाए तो। इसके अलावा इसने रिलैक्स करना होता है जो भी पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं। इट्स मीन कि ये जो मेन हार्मोन है रिलैक्सिन, इसका मेन जो रोल होता है वो होता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब कि लास्ट ट्रेमेस्टर में इसका जो है वो ज्यादा रोल होता है। जैसे जैसे जो है वो डिलीवरी के बिल्कुल नजदीक जो है इसका ज्यादा रोल होगा। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर का आइडल वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मदर जो है उसका वेट ज्यादा होगा, वेस्टी का शिकार होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसको गेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकती है। गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा।
तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इसको मेंटेन नहीं करती तो इसको बेसिकली क्या होगा कि एक तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा क्या होगा मदर का भी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आफ्टर डिलीवरी क्या होगा कि 2 से 3 साल के अंदर मदर जो है वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो सकती है। तो इट्स मेन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर को अपनी ग्लूकोज के लेवल को लाजमी मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और डिफरेंट कंडीशन आ जाती है, इसमें प्रीक्लैम्प्सिया आ जाता है। प्रीक्लैम्प्सिया बेसिकली हम उस चीज को कहते हैं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हाइपरटेंशन मदर को होती है, तो इस कंडीशन को प्रीक्लैम्प्सिया कहा जाता है, बल्कि प्रीक्लैम्प्सिया कहा जाता है। और इक्लिप्सिया हम उस चीज को कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी भी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन भी आ रही है, मतलब डिफरेंट एडिमा वगैरह भी इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है, तो उसको जो है वो इक्लिप्सिया कहा जाता है। तो ये डिफरेंट कंडीशन आ जाती है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं करना चाहिए। अगर मदर पहले से फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं कर रही तो उसको नहीं करना चाहिए। मॉडरेट नॉर्मल जो है वॉक वगैरह कर सकती है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं करेगी क्योंकि इससे जो है वो और ऐसी हार्श कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं करेगी जिससे मदर के एबडोमन वगैरह पे इफेक्ट पड़े। और ज्यादा मतलब कि देखा जाए तो सख्त जो है गर्मी वगैरह में भी जो है वो अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं परफॉर्म करेगी, इससे जो है वो बेबी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइक कोई ऐसी जो है लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो है वो लाइक स्विमिंग वगैरह कर सकती है, इस तरह कूलिंग इफेक्ट जिससे उसकी बॉडी जो है वो रिलैक्स वगैरह हो। लेकिन अगर जो पहले जो है वो नहीं कर रही तो बाद में इसको भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अगर वॉक वगैरह कर ली जाए तो ये जो है वो बेटर जो है वो इफेक्ट देती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर जो है वो डिफरेंट सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले सकती हैं। लाइक अगर हम देखा जाए तो फोलेट वगैरह के जैसे मैंने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इसमें डिफरेंट कैल्शियम में देखा जाए तो डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई 3,000 है वगैरह डिफरेंट जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है इससे कुछ फीमेल्स जो है वो डिफरेंट मल्टीविटामिन भी ले सकती है अगर वो नहीं ले रही, लाइक उसमें डिफरेंट आ जाते हैं प्रेगनाफिक्स है प्रेगनाकेयर है जो कि जिससे वो उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मदर की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बढ़ जाती है, तो उसकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है साथ बेबी की भी। लाइक एक फीमेल को जो है वो एटलीस्ट जो है वो कम से कम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 185 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने चाहिए, इस 135 से कम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स है ग्लूकोज का, जो कि बॉडी में हमारा मेन ब्रेन जो होता है उसका मेन सोर्स ग्लूकोज है। तो अगर मदर की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो बेबी को कैसे जाएगा, तो बेबी की भी ब्रेन के जो है प्रॉपर नरिशमेंट के लिए मदर को कार्बोहाइड्रेट का लाजमी टेक करना चाहिए। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम देखा जाए तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड है हमारे, और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेबीज की आईज बनाने में, लिप्स और ये स्किन नेल वगैरह में। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो लाजमी टेक करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है वो नोजिया वगैरह की कंडीशन आ जाती है, तो इसमें भी मदर को कौन सी डाइट लेनी चाहिए। लाइक अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉमन है गुलकंद, जो वो एक ऐसा मेन प्रोडक्ट है जो कि क्या कर सकती है, जो कि इस कंडीशन को कम कर सकती है। तो गुलकंद जो है वो फीमेल जो है वो को अर्ली मॉर्निंग जो है वो इसको फर्स्ट ट्रेमेस्टर में ले सकती है नोजिया वगैरह को कम करने के लिए। लाइक उसको दूध वगैरह के अंदर भी ऐड करके ले सकती हैं। इस तरह जो है वो इमली आलूबुखारे वगैरह का जूस वगैरह भी ले सकती हैं। फर्स्ट ट्रेमेस्टर में जो है वो वाली डाइट से बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए, जो कि बिल्कुल जो है वो जिनका टेम्परामेंट जो है बिल्कुल हॉट होता है। लाइक अगर हम बात करें डेट्स वगैरह अगर कुछ हर्ब्स वगैरह उनको फर्स्ट ट्रेमेस्टर में नहीं टेक करना चाहिए क्योंकि इससे जो है वो मिसकैरेज वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपनी फ्रूट की रिक्वायरमेंट्स को भी इंक्रीज करना चाहिए ताकि उनकी और साथ साथ बेबी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो सके। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।